हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि पिछले 10 से 12 दिन हो गए हैं बीएड 2020 बैच पर हमने वीडियो नहीं बनाया। उसका रीजन सिर्फ यही बनता था कि सेमेस्टर वालों का पेपर चल रहा है तो उनको कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता थी नहीं। पेपर हो रहा है, जब रिजल्ट आएगा तब उन लोगों को बताया ही जाएगा क्या चीज़ कैसी है। लेकिन जो जिनका ईयरली एग्जाम होता है फर्स्ट ईयर वालों पर, कोई भी यूनिवर्सिटी अपडेट नहीं दे रही है। जो यूनिवर्सिटी अपडेट दे रही है, जैसे बीच में CSJMU की अपडेट आई थी कि इनके बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है, ऐसे DDU के भी आई थी कि हाँ इनको भी प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी अपडेट जो है हम ऑलरेडी इस पर देते ही रहते हैं, लेकिन आज जो है सबसे ज्यादा जो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं वो अवध यूनिवर्सिटी को लेकर के क्वेश्चन पूछते हैं। तो आज जो है मेरी बात हुई है परीक्षा नियंत्रक गोपनीय विभाग में, ठीक है, श्री हरशंकर तिवारी जी से आज मेरी बात हुई है, ठीक है। बहुत अच्छे से बात हुई है हमारी और उनकी, क्या क्या बातें उन पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन अगर आप बीएड के छात्र हो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के छात्र हो, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे ये नहीं पता कि आप लोग अभी तक सब्सक्राइब क्यों नहीं किए हो, क्योंकि इस चैनल पर आपको सारी अपडेट मिल रही है। और खास तौर पर अब आपका सभी लोगों का एक एक साल लगभग कंप्लीट होने वाला है और अब इस चैनल पर आपको पढ़ाई भी कराई जाएगी, टेट वगैरह सीटेट वगैरह की तैयारी भी कराई जाएगी, प्लस जितनी भी अपडेट होती है आपको इस चैनल पर मिल ही जाती है। जितने भी बच्चे जुड़े हैं उनको पता है कि सारी ये ऑथेंटिक न्यूज जो है इस चैनल पर मिल जाती है। चलिए अब हम लोग देर नहीं करेंगे, सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, चलिए हम बढ़ जाते हैं। आज मेरी बात हुई है परीक्षा नियंत्रक विभाग हरशंकर तिवारी जी से, जो गोपनीय विभाग संभालते हैं वहां पर। तो उनसे जब बात हुई आज मॉर्निंग में लगभग 11:30 बजे के करीब, लेकिन मैं वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि थोड़ी सी समस्या थी आज मुझे, ठीक है। अब क्या कहें कौन सी समस्या थी, लेकिन चलिए फाइनली जो है वीडियो आज के डेट में आपको मैं दे रहा हूँ। चलिए गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि चेक्सू जो है वो यूपी टेट की जो है स्टडी गाइड लेकर आई है, जिसमें आपको दो सॉल्व पेपर 2018 और 2020 के मिल जाते हैं। इसके साथ ही आपको 3000 प्लस जो है अध्यायवार जो है आपको प्रश्न भी इसमें मिल जाते हैं देखने को। साथ ही अगर हम आपको बताएं तो पूरा सिलेबस इसमें दिया गया है कि किस सिलेबस से कितने नंबर जो है आ रहे हैं। आप नीचे देख पा रहे हो किस टॉपिक से कितने नंबर आ रहे हैं, इसको भी आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं। ये बुक जो है आपको मार्केट में किसी भी दुकान से, नीचे लिंक दिए आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी दिया, आप नंबर पर कॉल कर भी इस बुक को ऑर्डर कर सकते हो। साथ ही आप देख सकते हो कितने बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को दिया गया है, और साथ ही में अगर हम इसमें बात करें तो एक्सप्लेनेशन भी इस बुक की बहुत ही अच्छे से दी गई है। साथ ही में अगर हम आपको बताएं तो इसके स्क्रीन पर जो है आपको ये बुक दिख रही है, इस बुक को भी अगर आप ध्यान से देखो तो इनकी सब्जेक्ट वाइज भी बुक आती है, तो इन बुक को भी आप खरीद सकते हो। लिंक दिया है नीचे और नंबर दिया है नीचे, कॉन्टेक्ट करके जरूर ऑर्डर करें। तो वहां पर जो बात हुई, तो मैंने सबसे पहले तो कॉल करके मैंने ये पूछा कि सर बीएड फर्स्ट ईयर वालों का कुछ भी अभी इस यूनिवर्सिटी से क्लियर नहीं हो रहा है, क्या क्या बात है, क्या मतलब परीक्षा होगी या बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। तो उन्होंने तो सीधा मुझसे कहा कि देखो अभी कुछ भी डिसाइड नहीं है कि परीक्षा कराया जाएगा या पेपर करवाया जाएगा। तो मैंने उनसे कहा सर जी ये तो मुझे भी पता है कि कुछ आपने डिसाइड नहीं किया, अगर डिसाइड होता तो मैं साइट पर ही नहीं दिख लेता। आप हमको ये बताइए कि चांसेस कितने हैं और अगर परीक्षा होना है तो कब तक परीक्षा हो जाएगा। सभी बच्चे जो भी देख रहे हैं पहले ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे, उसके बाद ही कमेंट करेंगे, ठीक है। बीच में कमेंट मत करिए, क्योंकि मैं जिस अभी जैसे हम वीडियो बनाऊंगा तो कुछ लोग यही आ जाएंगे नीचे कमेंट करेंगे सर अवध का बताइए। भैया अवध का ही बता रहा हूँ, सुनिए पहले। मैंने उनसे बात किया कि परीक्षा कब का क्या है उसका स्वरूप, परीक्षा होगा या पेपर नहीं होगा या प्रमोट होगा, तो उन्होंने सीधा कहा है कि अभी यूनिवर्सिटी ने कुछ भी डिसाइड नहीं किया है। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप ये बताइए डिसाइड नहीं किया लेकिन आपको क्या लगता है पेपर करवाया जाएगा या नहीं करवाया जाएगा, और करवाया जाएगा तो किस महीने में करवाया जाएगा। तो उन्होंने ये कहा कि 70% चांसेस बनते हैं कि परीक्षा नहीं हो पाएगी, क्योंकि कोविड का जो है कोविड की उन्होंने बताया कि कोविड जो है फिर से आ रहा है और ऐसे में जो भी डिसीजन लेना होगा वो ले लिया जाएगा। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आप 100% प्रमोट हो जाएंगे, उन्होंने कहा 70% चांस है प्रमोट के और 30% चांस है वो परीक्षा करवाने के लिए, ठीक है। सुनिए, मैंने फिर उनसे बोला कि अगर आपका पेपर करवाना है तो पेपर कब तक होगा, तो उन्होंने सीधा ये जवाब मुझे दिया है। अगर आप भी उनको आप कॉल करोगे, श्री हरशंकर तिवारी की परीक्षा नियंत्रक गोपनीय संभालते हैं, आप लोग ऑफिशियल साइट पर उनका नंबर आप पा जाओगे ढूंढोगे तो उन्होंने ये कहा कि परीक्षा के बारे में अभी इसलिए कुछ भी नहीं नोटिस आया क्योंकि अभी परीक्षा फॉर्म नहीं भरा गया। उन्होंने ये भी बता दिया है कि अभी जो बीएड फर्स्ट ईयर का परीक्षा फॉर्म नहीं भरा गया। तो यार मैंने एक बार और पूछ लिया कि भाई परीक्षा फॉर्म नहीं भरा गया तो ये कब तक भरा जाएगा। सीधी सी बात, मैंने सारी चीजें किया और कल उन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से बात भी किया है। तो उन्होंने हमसे यही बताया है कि परीक्षा फॉर्म तब भरा जाएगा जब कॉलेज वाले नोटिस भेजेंगे यूनिवर्सिटी पर कि अब बच्चों का पेपर करवा दिया जाए, ठीक है। तो उन्होंने ये भी कहा कि कॉलेज वाले कोई भी नोटिस जो है यूनिवर्सिटी को नहीं भेजे हैं कि हाँ अब परीक्षा करवाया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि कॉलेज वाले कैसे नोटिस भेजेंगे वहां पर कि परीक्षा करवाया जाए, ठीक है। तो इतनी ही बात मेरी जो है हो पाई है। तो जितने भी अवध वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आप लोग मुझसे
एक साल से ज्यादा से जुड़े हुए हो सभी लोग और अच्छे से जुड़े हुए हो, सारी अपडेट आपको यहां पर मिलती है। तो चाहे आप अवध के हो, चाहे आप सीएसजेएमयू के हो, चाहे डीडीयू के हो, या फिर आप आगरा यूनिवर्सिटी के हो, भीमराव अंबेडकर के हो, ठीक है, आप सभी लोगों को अपनी पढ़ाई नहीं ब्रेक करनी है। एक बात सुन लीजिए, पढ़ाई नहीं ब्रेक करनी है, आप अपनी पढ़ाई करते हुए चलिए, चाहे जो यूनिवर्सिटी होगी उन सभी की जो अपडेट है वो जल्द ही आ जाएगी, जो उम्मीद लग रही है, ठीक है, क्योंकि सभी लोगों का सेशन लगभग कंप्लीट हो चुका है, अब जो है पेपर भर जो है करवाया जाएगा। बहुत से यूनिवर्सिटी है जहां पर एग्जामिनेशन फॉर्म भर गया है, लेकिन अवध यूनिवर्सिटी जो है ये एक सबसे फिसड्डी यूनिवर्सिटी में साबित हो रही है, क्योंकि ये ना अभी एग्जामिनेशन फॉर्म भरवाया है, पेपर का दूर दूर तक बस इतना ही पता है जो मैंने बात किया है। आप भी अगर बात करोगे तो आपको भी यही सारी चीजें वो बताएंगे कि कॉलेज वाले जब नोटिस भेजेंगे हमारे पास कि पेपर करवाया जाए तो पेपर करवाया जाएगा, और 70% उन्होंने प्रमोट होने के चांसेस बताए हैं, 30% उन्होंने बताया है कि परीक्षा कराई जा सकती है। यहां तक कि कोविड का केसेस बढ़ रहे हैं, थर्ड वेव की जो है संभावना है, ऐसे में जो है प्रमोट किए जा सकते हो, लेकिन मैं अपनी पहली वीडियो से आप सभी लोगों को बता रहा हूं कि पढ़ाई नहीं तोड़नी है, लय बनाए रखिए, चाहे दिन में एक घंटा ही पढ़िए, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि हम लोगों के पास बैकअप प्लान होना बहुत जरूरी है कि अगर पेपर हो जाए तो हम लोग उस पेपर को कर सके। बात करते हैं सीएसजेएमयू की, आगरा की और डीडीयू की। तो सीएसजेएमयू, आगरा यूनिवर्सिटी और डीडीयू, इन तीनों लोगों में 99.9% चांस है कि आप प्रमोट हो जाओगे। सीएसजेएमयू की बात करें तो यहां पर प्रमोट के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि यहां पर जो भी सीएसजेएमयू के जो संबद्ध कॉलेज हैं उन लोगों ने क्या है कि सेकंड ईयर की पढ़ाई के लिए जो है ऐसा कहें कि डीडी वगैरह बनवा के सेकंड ईयर की फीस जमा करा रहे हैं, ठीक है, कहीं कहीं पर सीएसजेएमयू की बात करें। डीडीयू की बात करें तो एक दिन न्यूज़पेपर में भी आया था कि डीडीयू को प्रमोट किया जाएगा, और आगरा वालों के लिए न्यूज़पेपर में आया था कि प्रमोट किया जाएगा। अब जितने लोग सीएसजेएमयू, डीडीयू और आगरा के जो बच्चे देख रहे हैं वो हमें कमेंट कर बताएं कि क्या वहां पर सेकंड ईयर की फीस जमा कराई जा रही है, नहीं जमा कराई जा रही है, ठीक है, आप लोग ये हमें कमेंट करके बताइए, फिर जैसा भी होगा हम आपके कॉलेजों में बात करके हम सारी चीजें जो है इनको कंफर्म करेंगे। लेकिन अवध वाले बच्चे अभी निश्चिंत ना रहिए, क्योंकि अवध यूनिवर्सिटी ने पिछली बार भी पेपर करवाया था, आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, बाकी जो भी अपडेट होगा आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, चैनल सब्सक्राइब किया होगा, ठीक है, नहीं किया तो कर लीजिए ताकि अपडेट आपको मिल जाए, ठीक है। तो इतनी ही अपडेट आज हमारे पास थी, अभी भी अवध यूनिवर्सिटी कुछ क्लियर नहीं कर रही है, 70% प्रमोट और 30% पेपर करवाने के मूड में वो है, और पेपर वो तभी करवाएंगे जब कॉलेज वाले उनके पास नोटिस भेजेंगे, ये कहना है श्री हरशंकर तिवारी जी का, जो परीक्षा नियंत्रक गोपनीय विभाग संभालते हैं वहां पर अवध यूनिवर्सिटी में, ठीक है, तो उनसे मेरी बात हुई। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपडेट अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, अपने वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए जो भी आपके अवध यूनिवर्सिटी के छात्र हैं उनके पास। मिलते हैं अगली वीडियो, जय हिंद जय भारत।